अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अबूबकर और आप देख रहे हैं राउट यू 206 राव यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आप अपना प्रोफेशनल लोगो यूट्यूब चैनल लोगो कैसे बनाते हैं और जो है यूनिक प्रोफेशनल लोगो मैं आज आपको बना के दिखाऊंगा। क्योंकि जो है यूट्यूब में जो है सबसे जो है इंपॉर्टेंट चीज़ यूट्यूब चैनल लोगो होता है। क्योंकि अगर जो है कोई व्यूज़ कोई बंदा है जो आपकी वीडियो देखता है, मसलन मिसाल के तौर पर वो वीडियो देखता है, वो आपके यूट्यूब चैनल लोगो को भी देख लेता है जो कि यूनिक है, एक अच्छा लोगो है, और जो है उसके बाद जो है वो आपकी वीडियो को छोड़ देता है और कोई और वीडियो आपके सामने शो होती है। तो आपका जो जब वो चैनल का लोगो देखते हैं कि ये उसी बंदे की जो है चैनल की वीडियो है जिसका जो है पहले मैंने वीडियो देखी थी और अच्छी थी, यानी कि इससे जो है आपका चैनल पर बहुत ज़्यादा जो है असर पड़ता है आपके जो है चैनल यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने करना यह है कि जो है पिक्स आर्ट को जो है आपने प्ले स्टोर से जो है डाउनलोड करने जो है ये जो एप्लीकेशन आपको जो है प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, आपने जो इसे सिंपली डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसे सिंपली ओपन करना है जिस तरह के मैं कर रहा हूँ। उसके बाद जो है फ्रेंड्स, आपने जो है इसे ओपन कर लेना है। इसमें जो है थोड़ी देर लग रही है, ये जो हो गया ओपन। उसके बाद जो है आपने बीच वाला बटन जो है प्लस का बटन इसे क्लिक करना है और यहाँ पर जो है स्टार्ट एडिटिंग का ऑप्शन आ गया है। तो फ्रेंड्स, आपने सबसे पहले करना यह है कि जो है यहाँ पर जो है कलर बैकग्राउंड, कोई भी जो है बैकग्राउंड कलर आपने जो है चूज़ करना है जिस तरह का आप करना चाहते हैं। लेकिन जो है मैं आपको यूनिक और प्रोफेशनल लोगो जो बनाना सिखा रहा हूँ, तो आपने यहाँ पे सफ़ेद कलर का जो है जो लोगो जो है इसे जो है बैकग्राउंड जो है कलर आपने इसे ले लेना है। उसके बाद जो है आपने टूल्स में जाना है और जो है क्रॉप में जाना है। टूल्स में जाने के बाद आपने क्रॉप पर जाना है और जो है यहाँ पर जो है शेप जो है शक्ल यानी कि चारों तरफ से जो बराबर मुरब्बा स्क्वेयर यानी कि उसे जो है लेना है और क्लिक कर देना है ओके पे। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने करना यह है कि जो है आपने यहाँ पर जो है वो करना है, टेक्स्ट ऐड करना है, यानी कि यहाँ पर लिखना है आप जो है चैनल का, जो आपके चैनल का सबसे पहला हर्फ है, यानी कि जिस तरह के मेरा राव टीवी है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बड़ा करके राव। मैंने यहाँ पे राव लिख दिया। उसके बाद क्लिक कर देना है ओके पे कि हमने ये लिख लिया। सबसे पहले आपने यहाँ पे करना है, आपको जो सफ़ेद कलर में होगा ये है, आपने यहाँ पर कलर पे जाना है और यहाँ पे जो है ब्लैक कर लेना है, इसे बिल्कुल डार्क ब्लैक कर लेना है। उसके बाद आपने जो है इसे एडजस्ट कर लेना है जिस तरह से आपको पसंद हो, यानी कि आप इसे बड़ा छोटा करना चाहते हो जिस तरह से भी, जिस तरह के ये मैंने यहाँ पर कर दिया है। ये जो फ्रेंड्स देखें यहाँ पर ये यूनिक कलर का दिख रहा है, ये एक सफ़ेद पर जो ब्लैक। उसके बाद आपने यहाँ पर, तो ये शुरुआत है, तो सबसे पहले आपने ये करना है। उसके बाद आपने दोबारा से टेक्स्ट पर जाना है। दोबारा से टेक्स्ट पे जाने के बाद आपने अपने जो चैनल का जो एंड वाला जो लफ्ज़ है उससे पहला, यानी कि उससे पहला जो आपका होगा, जैसे कि मेरा राव टीवी राव है तो फिर मैं राव को छोड़ देता हूँ और टीवी लगा देता हूँ, टी यानी कि बड़ा करके टी लगा देता हूँ और इसे जो है ओके कर देता हूँ। टी लगाने के बाद इसको यहाँ पर ले आते हैं और इसको यहाँ पर लाने के बाद इसका सबसे पहले कलर चेंज करना है और यहाँ पर आपने कलर कर देना है रेड, जो रेड होगा इस तरह का। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इतना प्रोफेशनल और जो है अच्छा लोगो यहाँ पर जो है बन चुका है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा भी लग रहा है। आप देख सकते हैं इसे जो है अपनी स्क्रीन से दूर करके आप देखेंगे तो आपको जो है बहुत ज़्यादा ये प्यारा लगेगा। ये जो है ये हमको बता देगा कि ये इसके बिल्कुल बराबर है, आपने इसकी थोड़ा सा बस दूर रखना है, इसके बिल्कुल करीब होना चाहिए। उसके बाद आपने जो है ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है येस का, ओके का। उसके बाद जो है ये हमारा आ गया है। उसके बाद जो फ्रेंड्स आपने करना यह है कि इसके नीचे जो है अपना नाम लिखना है, अपने चैनल का पूरा नेम लिखना है इसके नीचे, जिस तरह के मैं लिखता हूँ राव टीवी 206 राव। ये मैंने अपने चैनल का नेम लिख दिया और इसे जो है यहाँ पे मैंने नीचे ले आता हूँ यहाँ पर ओके करके। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है पिक्स आर्ट में हमने काम यही करना है, सबसे पहले जो है इसका कलर चेंज करना है और यहाँ पे मैं जो है डार्क कलर कर देता हूँ और इसका जो है मैं फॉन्ट भी चेंज करूँगा, यानी कि इसके जो है राइटिंग जो है वो चेंज करना चाहता हूँ क्योंकि ये राइटिंग यूनिक नहीं है, ये जो है राइटिंग अच्छी नहीं है और मैं इस राइटिंग को करता हूँ किसी ऐसी राइटिंग में जो है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगे, यूनिक लगे हमारे चैनल के नाम पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मुख्तलिफ राइटिंग्स हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं जो भी आपको जो है प्यारे लग रही हैं आप जो है उस हिसाब से यहाँ पर जो है राइटिंग लग रही है। ये राइटिंग सबसे अच्छी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये राइटिंग यहाँ पे सबसे अच्छी है, आप अगर ज़रा गौर से देखेंगे तो। इसे जो है आपने एडजस्ट करना है अपने
अपने ही इसके हिसाब से, जैसे कि ये देखा आप कितना अच्छा लग रहा है ये, अगर इसका जो आप फाउंट चेंज करना चाहते हैं, कोई और करना चाहते हैं तो फाउंट वो भी। उसके बाद आपने ये करने के बाद आपने इसे क्लिक कर लेना, ओके कर लेना। उसके बाद आप ओके, तो फ्रेंड्स हमने इसके बाद करना ये है कि थोड़ा जो है इस तरफ स्क्रॉल डाउन करना है इस तरफ, और आपने को यहाँ पर जो है एक ऑप्शन दिख रहा होगा ड्रॉ का, आपने इसे क्लिक करना है, दोबारा से ड्रॉ पे क्लिक करना है। ड्रॉ पे क्लिक करने के बाद जो है इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा, आपको जो है ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से जो है ये वाला तीर वाला निशान जो है हल्का फुल्का आपने इसे सेलेक्ट करके फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपने इसे ओके करना है, और आपको सबसे ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट सेटिंग बताने जा रहा हूँ, आपने जो है इसका कलर सफ़ेद चूज़ करना है, आपने कलर इसका सफ़ेद लेना है, क्योंकि ये यहाँ पर जो है कलर सफ़ेद ही इसका जो है अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा सफ़ेद ही कलर लगेगा। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर जो है एक लगा देता हूँ, जिस तरह के ये जो है लाइन एक बड़ी सारी आप देख सकते हैं कि कैसी लाइन जो है मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। आपने जो है इस लाइन को गौर से देखना है, ये एक यूनिक और सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो है हमारे इसको सबसे जो अच्छा बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपने जो है इसे ऐसे जो है कट करना है, यानी कि इस तरह से, जिस तरह से मैंने किया है, इस तरह से आप इसे कट करेंगे तो ये जो आप देख सकते हैं कि कितना यूनिक और कितना प्यारा लग रहा है जो हमारा जो लोगो है ये कट चुका है तरतीब से। उसके बाद आपने इसे ओके का क्लिक कर लेना है, यानी कि इसे सेव कर लेना है, ऊपर टिक का ऑप्शन सेलेक्ट करके आपने एक बार फिर दोबारा उसी सेटिंग में जाना है ड्रॉ में। उसके बाद दोबारा ड्रॉ लेना है, उसके बाद आपने यहाँ से उठाना है सर्कल, आपने सर्कल उठाना है और उसे स्ट्रोक ही रहने देना और ओके कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर जो है एक सर्कल ले लेना है, पूरा सर्कल इसको जो है पूरा सर्कल ले लेना है, और इस सर्कल को आपने बिल्कुल गोल रखना है, बिल्कुल गोल रखना आपने इस सर्कल को ना, क्योंकि ये सर्कल ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसी से आपका जो है सर्कल का पता चलेगा कि आपका जो लोगो होगा जो हर किसी स्क्रीन के जो आपकी वीडियो के नीचे शो होगा वो यही होगा, अच्छी चीज़ है ये। उसके बाद आपने इसे जो है अपनी जो है हिसाब से इसे क्लिक करना है, और परफेक्ट स्पेस और परफेक्ट जगह पे आपने इसे रख के आपने इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने यहाँ पर जो है टूल्स में जाना है, और यहाँ पर क्रॉप में जाना है। क्रॉप में जाने के बाद आपको जो है यहाँ पर सर्कल वाली शेप में आपने इसे कट करना और बड़ा करना है थोड़ा सा, जिस तरह के मैं करता हूँ, और ये इस तरह से आपने थोड़ा सा बड़ा करना है, और जो आपका जो हिसाब होगा यानी कि आपने जिस हिसाब से रखा होगा इसे उस हिसाब से आपने इसे रख कर लेना है, जो बड़ा या छोटा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये मैंने कर लिया है यहाँ पर से गोल, मुझसे ये गलती होगी कि मैंने जो ये गोल वाला दायरा इसे थोड़ा सा बिल्कुल गोल नहीं बनाया और ये थोड़ा नीचे हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो है हमारे चैनल का लोगो इतना प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने जो है ऊपर सेव का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सेव के ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करने के बाद आपने इसे बिल्कुल जो है अपने चैनल बैनर चैनल लोगो पे लगाना है, और ये एक बैनर चैनल जो है लोगो ओके हो चुका है, और ये कितना यूनिक लग रहा है आप देख ही सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और जो है अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।